हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मेट एंटिटी एजुकेशनल चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। इससे पहले अभी तक हम लोग स्टडी किए कि यदि किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो फोर्स लगाने से उसमें डिस्प्लेसमेंट हो, राइट। अब हम लोग ये जानेंगे कि अगर फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, इट मीन्स बॉडी वर्क किया। तो बॉडी ने जो वर्क किया और बॉडी के पास जो कंजर्व एनर्जी है, क्या इनमें कोई रिलेशन है? और हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि किस टाइप की एनर्जी से वर्क होगा। दो तरह की एनर्जी की बात की लास्ट क्लास में हम लोग, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि क्या किसी बॉडी में जो स्टोर्ड एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, वो भी वर्क करेगा या वर्क केवल काइनेटिक एनर्जी करेगा। अभी तक दो कंसेप्ट हम लोग समझे थे, उसको ध्यान रखिएगा। हम लोग समझे थे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है mgh। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? किसी भी बॉडी की कॉन्फिगरेशन, पोजिशन या स्टेट के कारण पोटेंशियल एनर्जी होता है। जबकि काइनेटिक एनर्जी किसके कारण होता है? तो काइनेटिक एनर्जी होता है बॉडी की मोशन के कारण। अगर बॉडी मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो चूंकि इसमें बॉडी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, बॉडी अपना स्टेट के कारण है, इसलिए कहेंगे यहां पर वर्क डन जीरो होगा। वर्क तभी होगा जब बॉडी में काइनेटिक एनर्जी होगा। सिंपल सी बात समझ लीजिए, वर्क के लिए डिस्प्लेसमेंट आवश्यक है और डिस्प्लेसमेंट तभी होगा जब बॉडी मोशन में होगा। यानी जब बॉडी मोशन में अगर है तो जहां इसमें काइनेटिक एनर्जी। दैट्स व्हाई इसका सिंपल सा स्टेटमेंट है कि वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी अगर बॉडी का काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा तभी वर्क डन होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है तो वर्क डन नहीं हो रहा है। इट मींस सिंपल सी बात हम समझे, वर्क डन W इक्वल टू क्या होता है? F into S। वर्क डन F into S। अब ये स्टेटमेंट पहले क्या कह रहा है? आपका स्टेटमेंट कह रहा है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। दैट इज कैन लेट अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विद अ स्पीड से v1 meter per second square आफ्टर t सेकेंड। लेट इट मूव्स विद अ स्पीड v2 meter per second। पहले बॉडी v1 meter per second से मूव कर रहा था और कुछ टाइम के बाद आपने फोर्स लगाया, जिसके बाद t सेकेंड के बाद इसका स्पीड v2 meter per second हो गया, राइट। एंड ये हम इमेजिन कर रहे हैं कि आपने फोर्स लगा दिया है, फोर्स लगा दिया एक्सेलरेशन। अब चूंकि बीच में यहां पर एक्सेलरेशन की बात नहीं होगी, होगी। एंड लेट द एक्सेलरेशन ऑन बॉडी इज a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डिस्टेंस ट्रेवल s मीटर। इट मीन्स हम सपोज किए कि पहले बॉडी v1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा था, जिस पर a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन था। s मीटर जाने के बाद उसका स्पीड v2 मीटर पर सेकेंड। अब प्रश्न है कि क्या इन दोनों के कारण जो काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ उनमें और इनके कारण जो वर्क डन हुआ, s मीटर जाने में जो वर्क डन हुआ, इनमें कोई रिलेशन है? अब इसके लिए पहले स्टेटमेंट पर आते हैं। तो इसमें कहते हैं कि द काइनेटिक एनर्जी इन बॉडी
इन व्हाट इज बिफोर एक्सेलेरेशन, जब एक्सेलेरेशन नहीं लग रहा था तो सबका काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी1 स्क्वायर। सिंप्लिसिटी के लिए यहां पर यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि बुक्स यू की बात करेगा तो यू मीटर पर सेकंड कर दीजिए, वी1 मीटर पर सेकंड कीजिए, वहां पर वी लेगा वी2 कर दीजिए। एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी आफ्टर ट्रैवलिंग एस मीटर के बाद, एस मीटर जाने के बाद इसका क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी2 स्क्वायर। तो अब हम यहां पर बात करेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल के इक्वल टू के ई टू माइनस के ई वन, मीन्स काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज क्या हो गया हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 स्क्वायर, दैट इज हाफ एम कॉमन है तो ये हो गया v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अब क्या सपोज करें थे कि लेफ्ट बॉडी वाज बॉडी स्टार्ट मोशन एट v1 मीटर पर सेकेंड एंड आफ्टर टी सेकेंड ट्रैवलिंग डिस्टेंस एस मीटर स्पीड बिकम्स v2 मीटर पर सेकेंड, दैट इज यहां से क्या हो गया v2 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2as बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके v2 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2as और इसको इस साइड लाइए लेफ्ट साइड में, तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू 2as, दैट इज अब यहां पुट कर दीजिए तो हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल क्या आया है 2as, m इनटू 2as 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू mas और ma मल्टीप्लाइड s s, एंड व्हाट इज ma, ma इज फोर्स मल्टीप्लाइड डिस्टेंस, एंड फोर्स मल्टीप्लाइड डिस्टेंस क्या है वर्क डन, दैट इज हम लोग क्या समझे क्या लाया कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन बाय फोर्स, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन बाय। अब इससे रिलेटेड अभी तक हम न्यूमेरिकल्स की बात नहीं किए थे, यहां से हम सबसे न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे और हम न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे पहले काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी या वर्क पर जो हम लोग लिए थे। अब से न्यूमेरिकल्स पहले वर्क एनर्जी थ्योरम पर डस्ट न्यूमेरिकल्स लेते हैं। क्वेश्चन कहता है हाउ मच वर्क विल बी डन बाय बॉडी ऑफ मास 5000 केजी ऑन चेंजिंग स्पीड फ्रॉम फ्रॉम 90 किलोमीटर पर आवर टू 126 किलोमीटर पर आवर। कोई बॉडी है इसका मास दिया हुआ है 500 के जी और ये बॉडी पहले 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, v1 90 किलोमीटर पर आवर और इसका स्पीड हमें इंक्रीज कर दिया 126 किलोमीटर पर आवर। तो पहले सिंपल सा रूल है कि जो स्पीड आपका किलोमीटर में दिया हुआ है इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए,
तो 90 इंटू 5 अपॉन 18 दैट इज 18 25 मीटर पर सेकेंड। और यहां क्या हो गया 126 इंटू 5 अपॉन 18 कितना 35 मीटर पर सेकेंड। तो कहा बॉडी का मास स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड से 35 मीटर पर सेकेंड होने के लिए कितना वर्क डन हुआ, कितना कार्य किया इंजन, ये निकालना है। सिंपल से हम समझे क्या, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम W इज इक्वल टू हाफ इज इक्वल टू के ई टू माइनस के ई वन, और कह सकते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। हाफ एम है 500 केजी, वी टू 35 का स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका कंसेप्ट ले लीजिए तो क्या हो गया 35 प्लस 25 इंटू 35 माइनस 25 दैट इज हाफ इंटू 500 इंटू 60 मल्टीप्लाइड 10 दैट इज 25 20, इट मीन्स आ गया 500 इंटू 65 300 150,000 जूल है ना, दैट इज हो गया 150 किलो इतना वर्क है। क्लियर? या यहां से एक और फर्म कंसेप्ट ला सकते हैं, यहां से आप डायरेक्ट कंसेप्ट ला सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं जो हम यहां लाए, यानी दैट इज हम वर्क एनर्जी थ्योरम को इस रूप में लिख सकते हैं W इज इक्वल टू हाफ एम, हाफ एम यहां लिख देते हैं, कंसेप्ट आ रहा W इज इक्वल टू हाफ एम क्या V प्लस यू और V माइनस यू, या हाफ एम V2 प्लस V1 इंटू V2 माइनस V1, ये कंसेप्ट भी आता है। यहां से चलिए एक और क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करें, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन से 18 ऑफ मास 1600 केजी इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, अ ड्राइवर, द ड्राइवर अप्लाई द ब्रेक टू अ स्टॉप, टू अ स्टॉप द ट्रक, फाइंड वर्क डन बाय ब्रेक। एक ट्रक है जिसका मास दिया हुआ है एम 1600 केजी। अब करा ये जो ट्रक है ये 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा है, दैट इज इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए तो 90 इंटू 5 अपॉन 18 यानी हो गया 25 मीटर पर सेकंड। अब ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है, अब ब्रेक अप्लाई करने के बाद ट्रक रुक जाता है तो कह रहा वर्क डन क्या है, W इक्वल टू व्हाट, चलिए डायरेक्ट हम लोग लिखा निकालते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, आपका वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कह रहा है, W इक्वल टू हाफ के ई टू माइनस हाफ के ई वन दैट इज W इक्वल टू हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस
वी वन स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके हाफ एम वी टू प्लस वी वन इंटू वी टू माइनस वी वन। ये यहां तक इसलिए ला दिए ताकि आपको सिंप्लीफाई करने में सुविधा हो। डायरेक्ट क्या करिए, इसको जोड़ दीजिए और सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए। दैट इज हाफ एम हो गया 1625, वी टू है, वी टू जीरो हो गया, प्लस वी वन 25 इंटू जीरो माइनस 25, दैट इज हाफ इंटू 1600, 25 प्लस जीरो 25 इंटू माइनस 25, दैट इज 800, तो हो गया 800 इंटू माइनस 625, 625 625 625, मल्टीप्लाई कर दी 0 0 5 एंड 40 2 एंड 16 एंड 420 0 6 एंड 48 5000 50 5000, ठीक है इतना जो माइनस नेगेटिव क्या वर्क कर रहा है, नेगेटिव वर्क सोच, वर्क सोच नेगेटिव, वर्क डन नेगेटिव मींस वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स और अगेंस्ट द मोशन। नेगेटिव शो कर रहा है कि ब्रेक के द्वारा वर्क लग किया जा रहा है, ये बॉडी के फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क हो रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में वर्क हो रहा है। हम लोग बात किया था ना पॉजिटिव और नेगेटिव की, यानी अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा हो, यहाँ पर थीटा क्या हो रहा है 90 डिग्री से बड़ा हो रहा है, हम वर्क डन में वही कॉन्सेप्ट समझेंगे। चलिए ये तो क्लियर हो गया, यहाँ से आ गया दैट इज, हम इसको लिख सकते हैं माइनस 500 किलो, इतना वर्क डन हुआ। क्लियर, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन से आकार ऑफ मास 750 kg इज एट रेस्ट, फाइंड वर्क डन बाय इंजन टू मूव देम टू अ स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर। ये ध्यान रखिए, चूंकि वर्क डन में हमें टाइम से कोई मतलब नहीं है, वर्क डन में हम देखेंगे कितना फोर्स लगाया कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, बस वो पावर की बात आएगी तब आ जाएगा, अब इसी पावर की बात आ जाएगी तो टाइम आ जाएगा कितना टाइम, यहां भी हमें कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक कार है, कार का मास 750 के जी दिया हुआ है, मास 750 के जी है, कार पहले क्या था रेस्ट पर था यानी वी वन, वी टू क्या है 180 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 180 इंटू 5 अपॉन 18 18 यानी दैट इज क्या हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। आपको निकालना है वर्क इन डब्ल्यू इक्वल टू वाट, क्या तो निकालूंगा डब्ल्यू इक्वल टू हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, राइट, दैट इज कर देंगे हाफ एम वी टू प्लस वी वन और वी टू माइनस वी वन, हाफ एम कितना हो गया 750, वी टू क्या अब 50 प्लस वी वन 0 इंटू 50 माइनस 0, दैट इज हाफ इंटू 750 मल्टीप्लाइड 50 मल्टीप्लाइड 50 दैट इज 25, 750 मल्टीप्लाइड 50 मल्टीप्लाइड 25 दैट इज, मल्टीप्लाई करने पर आ गया 750 मल्टीप्लाइड 1250 दैट इज 0 0, 375 375 537 75 to 150 and 37 187 18 and 75 plus 18 93 इतना, that is 937.5 kg। That's way you can easily calculate work done by force, work done by force if body changes their motion, यदि body अपना speed change करता है
तो फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन किया जा सकता है, हम आसानी से वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज कर कैलकुलेट कर सकते हैं। यू नीड हैव टू प्रैक्टिस इट सो दैट आप इसमें कॉन्फिडेंट हो जाए। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।